हे गाइस, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। तो यार, आज का अपना टॉपिक होने वाला है इफेक्ट ऑफ लेसन्स ऑन द विजुअल पाथवे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको विजुअल पाथवे पढ़ा दिया है, ठीक है। तो अगर उस विजुअल पाथवे में अगर आपको कुछ भी लेसन क्रिएट होता है, ठीक है, या कोई सी इंजरी होती है, तो उसका क्या इफेक्ट देखने को मिलता है मेनली, ठीक है। तो इस टॉपिक में अपन ये पढ़ने वाले हैं। और टॉपिक स्टार्ट करवाने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको मेरे नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, इफेक्ट ऑफ लेसन्स ऑन द विजुअल पाथवे, ठीक है। तो इंजरी टू एनी पार्ट ऑफ द ऑप्टिक पाथवे कॉज द विजुअल डिफेक्ट। अगर मान के चलो कि जो अपना विजुअल पाथवे, अगर कोई सी भी इंजरी होती है, ठीक है, उस ऑप्टिक पाथवे के कोई सी भी पार्ट में, तो अपने को मेनली क्या देखने को मिलेंगे, विजुअल डिफेक्ट। जो अपन देखते हैं तो उनमें कुछ डिफेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेचर ऑफ डिफेक्ट डिपेंड अपॉन द लोकेशन एंड एक्सटेंशन, ठीक है, ऑफ इंजरी। मतलब कि देखो कि जो नेचर रहता है, ठीक है, डिफेक्ट का, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो अपना डिपेंड करता है मेनली कि किस लोकेशन पे इंजरी हुई है और कितनी एक्सटेंडेड है। कि मतलब कि मान के चलो कि ऑप्टिक नर्व पे इंजरी हुई है और वो एक्सटेंड करके जा रही, काइज्मा पे भी इंजरी होगी, ऑप्टिक ट्रैक पे भी हो रही है, लेटरल जेनिकुलर बॉडी पे भी हो रही, तो उसके अकॉर्डिंग क्या अपने को मेनली को डिफेक्ट देखने को मिलता है कि किस नेचर का डिफेक्ट होगा, ठीक है। इतना समझ आता है, आगे बात करते हैं। लूज ऑफ विजन इन दी वन विजुअल फील्ड। अगर मान चलो कि एक विजुअल फील्ड में क्या हो गया, लूज कर गया विजन, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, एनोपिया, ठीक है। देखो तो लूज ऑफ विजन इन दी वन हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड, अगर जो विजुअल फील्ड अगर उसके एक हाफ में दिख रहा है, ऐसे मान के चलो कि आपको यहाँ समझाता हूँ मैं, कि देखो कि ये वाला है अपनी एक आँख, ये वाली दूसरी आँख हो गई, ठीक है, बीच से डिवाइड कर दिया, और ये बाहर वाला क्या हो गया, अपना टेम्पोरल फील्ड, ठीक है। तो इन दोनों टेम्पोरल फील्ड को मिला के एक टेम्पोरल फील्ड बन गई। अगर मैं एक आँख की बात करूँ तो इस टेम्पोरल फील्ड को क्या बोलेंगे, हाफ ऑफ टेम्पोरल फील्ड, ठीक है, मतलब आधी है, ठीक है, आधी इस साइड वाली आँख में है, लेफ्ट वाली में, तो आधी राइट साइड वाली आँख में है टेम्पोरल फील्ड, ठीक है। अगर नेसल फील्ड की बात करें तो आधी लेफ्ट में आधी राइट में, तो इन दोनों को मिला के एक नेसल फील्ड बन गई, ठीक है। तो अगर मान के चलो कि अगर आपको हाफ पोर्शन में देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हेमी एनोपिया, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे अपन, ठीक है। तो हेनो जो अपने हेमी एनोपिया होता है वो दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है, ठीक है, होमोनोमस, ठीक है, एनोपिया, ठीक है, हेमी एनोपिया, और दूसरा होता है हेट्रोनोमस, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने को मेनली क्या देखना है कि होमोनोमस मतलब क्या, होमो मतलब कि सेम, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि अगर, ठीक है, ये क्या है, राइट होमोनोमस हेमी एनोपिया, ठीक है, होमोनोमस है मतलब क्या, एक साइड के, ठीक है, एक साइड, ठीक है। अगर मान के चलो कि ये क्या है अपना, मान चलो ये पूरा पूरा सर्कल है, अपनी पूरी पूरी आँख है, ठीक है, अगर इसकी राइट साइड है, ठीक है, तो राइट साइड पे इसका क्या हो गया, नेसल फील्ड, लेफ्ट साइड वाली पे, ठीक है, और राइट साइड वाली का ये वाला क्या हो गया, टेम्पोरल, ठीक है। पर दोनों की साइड एक साइड ही है ना, ठीक है, जो इसका इस साइड वाला है वो छूट गया, लेकिन इस साइड डिफेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है, एक साइड सेम में, ठीक है, उसको बोलेंगे राइट, ठीक है, होमोनीमस हेमी एनोपिया, ठीक है, क्योंकि वो राइट साइड है, ठीक है, किस साइड है वो, वहाँ पे अपनी राइट साइड है, ठीक है। अब ये वाला किस साइड हो रहा है, सेकंड लेफ्ट साइड, तो इसको अपन लेफ्ट बोल देंगे, लेफ्ट होमोनोमस हेमी एनोपिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या, हेट्रो की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें सिर्फ दो देखने को मिलते हैं, एक होता है बाई टेम्पोरल, ठीक है, मतलब कि दोनों टेम्पोरल फील्ड में डिफेक्ट देखने को मिलेगा। देखो जो लेफ्ट आई इसकी भी टेम्पोरल फील्ड डिफेक्टेड है, और जो यहाँ पे राइट आई है तो उसकी भी टेम्पोरल फील्ड डिफेक्टेड है, ठीक है। और एक होता है नेसल हेट, ठीक है, नेसल हेट्रोनोमस हेमी एनोपिया, ठीक है। तो नेसल बाई नेसल हो गया, बाई नेसल मतलब कि इस साइड की भी नेसल जाएगी और राइट आई की भी नेसल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हेट्रो है, ठीक है, और होमो अपन ने देख लिया। तो अब इनकी थ्योरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो होमोनोमस हेमी एनोपिया में क्या होता है कि लूज ऑफ विजन इन दी सेम हाफ में विजन जा रहा है, ठीक है, ऑफ दी बोथ विजुअल फील्ड, दोनों विजुअल फील्ड के, ठीक है, राइट होमोनोमस, ठीक है, हेमी एनोपिया, और लेफ्ट होमोनोमस हेमी एनोपिया, ठीक है, बोथ विजुअल फील्ड, ठीक है। एक क्या थी अपनी, लेफ्ट विजुअल फील्ड थी, एक अपनी राइट विजुअल फील्ड थी, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन हेट्रोनोमस, ठीक है। तो हेट्रोनोमस में क्या होता है, लूज ऑफ विजन इन दी अपोजिट हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड, अपोजिट हाफ, ठीक है, मतलब एक अगर किसी का लेफ्ट है तो दूसरे का क्या, राइट होगा, ठीक है। तो उसमें क्या आता है अपने, क्या, बाइनेसल और बाई टेम्पोरल, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन किसका, इफेक्ट ऑफ लेसन ऑन दी ऑप्टिक नर्व, मतलब कि ऑप्टिक नर्व में अगर कहीं लेसन देखने को मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग अपने को कौन कौन से विजुअल डिफेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इससे समझाऊंगा, ठीक है, तो इस पर आप देखो बहुत अच्छे से समझना बेटा, धीरे धीरे समझाऊंगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे ए पॉइंट देखिए, ठीक है, ए पॉइंट देखिए, यहाँ पे ए पॉइंट पे येलो कलर से यहाँ पे कोई इंजरी क्रिएट हो गई, ठीक है। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं अपन,
पिंक ले लेते हैं, ठीक है, ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान चलो कोई सी इंजरी आ गई, ठीक है। तो अगर ए पॉइंट पर अगर इंजरी आई तो आपको क्या, यहाँ पे क्या अपनी लेफ्ट आई है, ठीक है, और यहाँ पे जो लेफ्ट आई की ऑप्टिक नर्व थी वो पूरी की पूरी डैमेज हो गई है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे आपने आई बना रखी, ए वाली लेफ्ट आई है और ए वाली राइट आई है, ठीक है। तो जो लेफ्ट आई का विजन होगा वो सारा का सारा लूज कर जाएगा, क्योंकि उसकी ऑप्टिक नर्व से जो लेफ्ट आई की नेसल थी और टेम्पोरल फील्ड थी वो दोनों की दोनों लूज कर जाएंगी। बट राइट साइड वाला तो सही है, ठीक है, तो राइट साइड वाला सही, तो राइट साइड वाला तो दिखेगा पूरा राइट साइड वाली आँख को, बट जो लेफ्ट साइड वाली आँख है उसकी पूरी विजुअलिटी लूज हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं पॉइंट बी की अगर बात करता हूँ तो पॉइंट बी में क्या है कि जो ऑप्टिक नर्व है, तो आप कौन सी राइट साइड की ऑप्टिक नर्व पे लेसन क्रिएट हो रहा है, इंजरी क्रिएट हो रही है, तो इस वजह से जो राइट आँख होगी वो वाली की उसकी जितनी भी विजुअल एक्टिविटी होगी वो पूरी लूज कर जाएगी, बट लेफ्ट आई की क्या बची रहेगी, ठीक है। इतना अपने को समझ में आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, राइट एनोपिया, ठीक है। और ऊपर वाला क्या था, लेफ्ट एनोपिया। अगर ऑप्टिक जो अपना ऑप्टिक नर्व होती है अगर उसमें लेसन देखने को मिलता है जिस साइड वाली ऑप्टिक नर्व में, ठीक है, तो उसी साइड का क्या देखने को मिलता है अपने को, या तो लेफ्ट एनोपिया या फिर राइट एनोपिया, ठीक है। एनोपिया में क्या होता था, अपनी एक पूरी विजुअल फील्ड चली जाती थी, ठीक है। तो लेफ्ट आई की यहाँ पे पूरी विजुअल फील्ड चली गई कि राइट आई की पूरी यहाँ पे विजुअल फील्ड चली गई, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे अपन पॉइंट नंबर सी की, ठीक है, ये अपना क्या पॉइंट नंबर सी। तो पॉइंट नंबर सी पे आपको क्या दिख रहा है कि आप देखो लेफ्ट आई का ट्रैक कहाँ से आ रहा है, ठीक है, और इसमें अपना मेनली जो इंजरी दिख रही है वो आपको रेड कलर की उसमें दिख रही होगी, ठीक है। तो रेड कलर का जो कॉलम है वो क्या है यहाँ पे, कि वहाँ पे उसका क्या डिवीजन नहीं हुआ है, ठीक है। अगर मान चलो लेफ्ट आई से आ रहा है तो वो लेफ्ट साइड से ही चला जा रहा है, सिंपल, ठीक है। तो अगर उसमें कोई सा भी लेसन क्रिएट होता है तो क्या होगा कि जो अपनी लेफ्ट साइड की आँख है, ठीक है, और रेड वाले में कौन सा आ रहा है, नेसल फील्ड से आ रहा है विजन, ठीक है, रेड वाले में। तो क्या होगा, जो नेसल फील्ड होगी लेफ्ट आई की वो चली जाएगी। तो सी वाले में देखो आपको यहाँ पे ये ब्लैक दिख रहा होगा, तो ये कौन सी है, नेसल फील्ड है, तो नेसल फील्ड यहाँ पे पूरी चली गई, बट इसकी जो टेम्पोरल फील्ड है लेफ्ट आई की वो बची हुई है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया, और जो राइट आई है वो तो पूरी की पूरी बची है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, हेमी एनोपिया, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन यहाँ पे पॉइंट नंबर डी की बात कर लेते हैं। डी पे भी क्या हो रहा है, राइट साइड वाला चला गया, ठीक है, कि जो अनक्रॉस है, ठीक है। तो राइट साइड वाले में जो रेड वाला अनक्रॉस था तो उस पर क्या रही थी, नेसल फील्ड ऑफ दी राइट आई, ठीक है। तो राइट आई की यहाँ पे क्या नेसल फील्ड चली जाएगी, ठीक है, और टेम्पोरल फील्ड बची रहेगी राइट आई की, और लेफ्ट आई तो पूरी बची रहेगी, ठीक है। तो अपने यहाँ तक डी का तक कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं अपन यहाँ पे किसकी, अब पॉइंट नंबर ई की, ठीक है। तो ई की देखो आप, पॉइंट नंबर ई पे क्या हो रहा है मेनली कि यहाँ पे जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्काई ब्लू की जो क्रॉस फाइबर है वो दोनों कट हो गए, ठीक है, क्या दोनों कट हो चुके हैं, ठीक है, पॉइंट नंबर ई पे। तो क्या होगा कि जो स्काई ब्लू का किस किस से आ रहा था, एक साइड का टेम्पोरल आ रहा था स्काई ब्लू में, ठीक है, और दूसरी साइड का भी क्या आ रहा था, टेम्पोरल आ रहा था। मतलब कि जो लेफ्ट आई होगी और राइट आई होगी तो दोनों आई का क्या टेम्पोरल विजन चला जाएगा। तो ई नंबर में आप देखिए कि ये टेम्पोरल है लेफ्ट आई का, और इस साइड का टेम्पोरल किसका है, राइट आई का, तो दोनों साइड की टेम्पोरल विजन चले गए, ठीक है, दोनों आंखों के। अगर आप एक चीज और देखिए जो मैंने आपको ऊपर सी और डी बताया था, अगर सी और डी अगर दोनों एक साथ हो गए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बताता हूँ आपको, पहले अपन क्लियर कर लेते हैं इसको, ठीक है, गंदगी बहुत हो गई है। डी अगर दोनों कंडीशन एक साथ क्रिएट हो गई तो मेनली क्या होगा यहाँ पे, कि यहाँ पे सी और डी एक साथ कंडीशन क्रिएट हो गई तो यहाँ पे सी वाला भी लेसन देखने को मिलेगा और डी वाला भी देखने को मिलेगा, जो कि सिर्फ रेड फाइबर्स हैं उनको सिर्फ इंजरी पहुँचा रहे हैं, तो वो अनक्रॉस हैं। अगर लेफ्ट वाला है तो वो लेफ्ट साइड के ट्रैक में पहुँच जाएगा, और राइट साइड का तो वो राइट साइड वाले ट्रैक में पहुँच जाएगा। और जहाँ पे रेड कलर के आपको दिख रहे हैं सी और डी की इंजरी में, तो वो कौन सी फील्ड लेके आ रहे थे अपने मेनली, वो अपनी लेके आ रहे थे मेनली नेसल फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सी और डी अगर दोनों एक साथ देखने को मिला तो यहाँ पे क्योंकि नेसल फील्ड चली गई है, ठीक है। अगर यहाँ पे नेसल फील्ड चली गई तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ समझ में आ रही है, मैं इससे पहले भी आपको पढ़ा के आया हूँ इसी लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे बाई नेसल, ठीक है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, बाई नेसल हेट्रो, ठीक है, कौन सा हेट्रो, हेट्रो एनोपिया, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है अपने को, यहाँ पे आपको देख रहा होगा सी डी में लेसन इज लेटरल फाइबर्स बोथ साइड, ठीक, ऑप्टिक कास्मा, मतलब बाई लेटरल हेमी एनोपिया, ठीक है। तो यहाँ पे मिल रही अपने को क्या देखने को मिल रहा है, बाई लेटरल हेमी एनोपिया, ठीक है। और जो ई वाला था जो अभी मैंने आपको बताया, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे बाई टेम्पोरल, ठीक है, बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया, क्योंकि ये टेम्पोरल साइड है, दोनों साइड की टेम्पोरल जाएगी, ठीक है, और हेमी एनोपिया, ठीक है, मतलब आधी फील्ड जा रही, पूरी फील्ड नहीं जा रही है, ठीक है, लेफ्ट फील्ड जो है वो आधी जा रही है और राइट फील्ड है वो भी आधी जा रही है, ठीक है। अब बात करते हैं एफ की, तो अब यहाँ पे आपको एफ में दिख रहा होगा कि जो इंजरी दिख रही है वो पूरा का पूरा किस में, ऑप्टिक ट्रैक्ट में, ठीक है। तो अब ऑप्टिक ट्रैक्ट में क्या होता है मेनली,
कि यहाँ पे कायज़मा के बाद आता है, तो मतलब ऑप्टिक ट्रैक्ट जो लेफ्ट साइड वाला है वो क्या करेगा कि जो राइट जो अपनी लेफ्ट आई है, ठीक है, तो लेफ्ट आई की क्या नेसल फील्ड लेके आ रहा है, ठीक है, और क्या कर रहा है, और जो अपनी राइट आई है, ठीक है, राइट आई की टेम्पोरल फील्ड लेके आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे लेसन क्रिएट होगा तो क्या होगा कि जो अपनी लेफ्ट आई है उसकी क्या जाएगी अपनी नेसल फील्ड, और राइट आई की जाएगी टेम्पोरल फील्ड, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। और जी वाले में भी ऐसा ही होगा, जी वाले में ऐसा क्या हो जाएगा कि जो राइट आँख होगी, ठीक है, तो उसकी कौन सी जाएगी, राइट आँख जो अपनी होगी उसकी चली जाएगी क्या नेसल फील्ड, और जो अपनी लेफ्ट आई होती है उसकी चली जाएगी टेम्पोरल फील्ड, जस्ट अपोजिट, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आपको फिगर में सारे की सारी क्लिनिकल कंडीशन दे रखी है, ठीक है। ये पे लेसन हुआ था तो पूरा अपने को क्या देख लेना, तो मिला था टोटल ब्लाइंडनेस हो रही थी लेफ्ट आई की, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो बी पॉइंट था, बी पॉइंट में टोटल ब्लाइंडनेस किसकी हो रही थी यहाँ पे राइट आई की, ठीक है। सी पॉइंट पे क्या हो रहा था, लेफ्ट नेसल हेमीएनोपिया, ठीक है, राइट नेसल हेमीएनोपिया, ठीक है, बाई नेसल बाई टेम्पोरल, ठीक है। और जो लास्ट वाले जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, इससे पहले बता के आया था मैं आपको होमोनोमस, ठीक है, होमोनोमस हेमीएनोपिया बताए थे मैंने, जिसमें कि सेम साइड के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, राइट होमोनोमस एनोपिया और लेफ्ट होमोनोमस एनोपिया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एफ में राइट साइड जा रहा है और जी वाले में क्या लेफ्ट साइड जा रहा है, ठीक है। तो राइट होमोनोमस एनोपिया और लेफ्ट होमोनोमस एनोपिया, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है, मतलब कि अगर लेसन कहाँ कहाँ क्रिएट हो रहा है पूरा का अपने विजुअल पाथवे में, तो उससे अपन पता कर सकते हैं, ठीक है। तो विजुअल डिफेक्ट देख लेते हैं मेनली, देखो एक तो आपको एनोपिया देखने को मिलता है, दूसरा देखने को मिलता है हेमीएनोपिया। जो एनोपिया होता है वो होता है राइट एनोपिया, अगर राइट साइड की पूरी विजुअल फील्ड चली गई और लेफ्ट साइड की विजुअल फील्ड चली गई पूरी पूरी एक आंख की, तो उसको बोलते हैं लेफ्ट एनोपिया, ठीक है। और जो हेमी एनोपिया होता है दो टाइप का होता है, पहला होता है क्या होमोनोमस हेमी एनोपिया और हेट्रोनोमस हेमी एनोपिया, ठीक है। जो होमोनोमस होता है वो होता है राइट होमोनोमस हेमी एनोपिया और लेफ्ट होमोनोमस, ठीक है, हेमी एनोपिया। और दूसरा क्या होता है, जो हेट्रोनोमस होता है अपना हेमी एनोपिया, वो होता है क्या बाइनेसल और दूसरा बाई टेम्पोरल, ठीक है। तो ये पहले भी बता दिए, अभी जस्ट आपको चार्ट से एक बार और रिवाइज हो गए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन थ्योरी की, ठीक है। थ्योरी में देखते हैं अपन यहाँ पे इसका, ठीक है, इफेक्ट ऑफ लेसन ऑन दी ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ऑप्टिक नर्व पे लेसन अगर क्रिएट होगा तो क्या देखने को मिलेगा, लेसन इन दी वन ऑप्टिक नर्व कॉज दी टोटल ब्लाइंडनेस, ठीक है। अगर एक साइड की, अगर लेफ्ट साइड की ऑप्टिक नर्व पे लेसन हुआ था, तो आपने देखा था कि जो लेफ्ट साइड की आंख थी तो उसका पूरा विजन चला गया था, पूरी आंख ब्लाइंड हो गई थी, ठीक है। और उसको अपन एनोपिया भी बोल सकते हैं दी करस्पॉन्डिंग विजुअल फील्ड में, ठीक है। मतलब जिस साइड के अपन ऑप्टिक नर्व में अगर लेसन क्रिएट होता है पूरा का पूरा, तो उसी साइड का अपना पूरे की पूरी आँख की जो मतलब बोल सकते हैं विजुअलिटी, वो सारी सारी लूज हो जाएगी, ठीक है। तो लेसन अकर ड्यू टू द इंक्रीज इंटरक्रेनियल प्रेशर। अब क्या होता है कि जो लेसन क्रिएट होता है मेनली वो किस वजह से होता है ऑप्टिक नर्व में, अगर इंटरक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज कर जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं सेकंड इफेक्ट ऑफ द लेसन ऑन द ऑप्टिक कियाज्मा। ऑप्टिक कियाज्मा में अगर लेसन क्रिएट होगा तो क्या होगा, तो लेफ्ट और राइट नेसल हेमीएनोपिया देखने को मिलेगा, लेफ्ट या फिर राइट नेसल हेमीएनोपिया, ठीक है। तो प्रेशर ऑन अनक्रॉस फाइबर बाय दी, ठीक है, एन्यूरिज्मल डायलेशन, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जब एन्यूरिज्म होता है, तो एन्यूरिज्म में क्या होता है मेनली जो ब्लड वेसल होती है वो डायलेट कर जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो क्रॉस फाइबर्स थे वहाँ पे उनकी क्या हो जाएगी, वो प्रेशर से दबेंगे, तो इस वजह से वहाँ पे इंजरी क्रिएट कर जाएगी, ठीक है। और अगर वहाँ इंजरी क्रिएट हो गई तो क्या अपने को वहाँ पे कुछ विजुअल डिफेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो एन्यूरिज्म होता है मेनली कैरोटिड आर्टरी का होता है, ठीक है। तो ब्लाइंडनेस इन दी टेम्पोरल पार्ट ऑफ दी रेटिना, ठीक है, ऑफ दी सेम साइड ऑफ दी हेमो एनोपिया डेवलपमेंट। आप यहाँ से समझिए जो मैं आपको यहाँ पे बता के आया हूँ, ठीक है। तो बेटा मेन चीज़ आपको यहाँ थ्योरी समझ में नहीं आएगा, सबसे अच्छा आपको जो समझ में आना है वो इस डायग्राम से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि क्रॉस फाइबर से हो रहा है, तो आपको कौन कौन से देखने को मिल रहा है, सी पॉइंट पे ये देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि लेफ्ट साइड का नेसल हेमी एनोपिया देखने को मिल रहा है, ठीक है। डी पॉइंट पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है, राइट आइट का नेसल हेमी एनोपिया, ठीक है। और इसके बाद जो ई पॉइंट है, तो ई पॉइंट में आपको क्या देखने को मिला कि मतलब दोनों साइड की टेम्पोरल फील्ड चली गई, ठीक है। तो क्या हो गया, बाई टेम्पोरल, ठीक है, तो बाई टेम्पोरल क्योंकि दोनों साइड की फील्ड गई, तो बाई टेम्पोरल क्या चला जाएगा यहाँ पे, हेट्रो, ठीक है, हेट्रो होगा क्योंकि यहाँ पे होमो नहीं है, अलग अलग साइड है दोनों, ठीक है। तो हेट्रो अपना हेमी एनोपिया, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, वापस चलते हैं इसमें, तो इसमें देखो दो ही चीज़ दे रखी है, एक तो नेसल हेमी एनोपिया दे रखा है जो मैंने आपको बताया कि सी पॉइंट और डी पॉइंट पे होता है मेनली, मतलब अगर ए आँख है, ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड का हो गया तो लेफ्ट साइड की नेसल फील्ड चली जाएगी, और अगर राइट साइड का होगा तो राइट साइड की फील्ड चली जाएगी, मतलब दूसरी आँख की पूरी फील्ड बची रहेगी, बस एक आँख की फील्ड जाने वाली है, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट नेसल हेमी एनोपिया में यही होता है, आपको होता है बाई नेसल, ठीक है, हेमी एनोपिया, मतलब बाई नेसल हेमी एनोपिया में होगा कि जो दोनों आँख है दोनों आँखों का नेसल वाला फील्ड क्या चला जाएगा, ठीक है, लेसन की वजह से। इफ द लेटरल फाइबर्स ऑफ द बोथ साइड्स अफेक्टेड विजन इज लॉस्ट इन द नेसल 1/2 ऑफ द बोथ, ठीक है,
विजुअल फील्ड में, दोनों विजुअल फील्ड के वन बाई वन हाफ हाफ क्या चले जाएंगे, वो भी कौन सी नेसल फील्ड के। तो ड्यू टू डायलेशन, ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल एंड डायलेशन ऑफ द कैरोटिड आर्टरी ऑन द बोथ साइड। अब क्या होता है, जो थर्ड वेंट्रिकल होता है उसके डायलेशन की वजह से और डायलेशन ऑफ द कैरोटिड आर्टरी, तो इसकी वजह से यहाँ पे मेनली अपने को इंजरी हो जाती है। तो जो थर्ड था अपना वो था क्या, बाईटेम्पोरल हेमियनोपिया। बाईटेम्पोरल मतलब कि दोनों साइड की टेम्पोरल चली गई। टेम्पोरल में क्या होगा कि जो नेसल है इसके अपोजिट वाला टेम्पोरल चला जाए दोनों साइड का, और नेसल दोनों आँखों का क्या बचा रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, बाईटेम्पोरल हेमियनोपिया। ठीक है, ये कौन से टाइप का हो जाएगा बाईटेम्पोरल, जो अपना कौन सा है, हेट्रो, ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा अपना, हेट्रोनोमस हेमियनोपिया। ठीक, तो इसका क्या होता है मेनली, किस वजह से होता है, कंप्रेशन ऑफ द नेसल फाइबर्स, ठीक है, क्रॉस फाइबर्स बाय दी पिट्यूटरी ट्यूमर। अगर पिट्यूटरी में कोई सा भी ट्यूमर क्रिएट होता है तो उस वजह से कंपैरिजन कंप्राइज कर जाएगी वहाँ पे, ठीक है, फाइबर्स, और अपने को बाईटेम्पोरल हेमियनोपिया देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड अपन ने कहाँ देखा था कि ऑप्टिक ट्रैक्ट में लेटरल जेनिकुलर बॉडी, अगर ऑप्टिक रेडिएशन, अगर इन तीनों चीज़ों में से कहीं भी अगर देखने को मिलता है तो वहाँ पे अपने को मेनली चीज़ क्या देखने को मिलती है, होमोनोमस हेमियनोपिया। ठीक है, होमोनोमस में क्या होता था, सिर्फ एक साइड का रहता था, ठीक, एक साइड का सारा चला जाएगा, मतलब कि दोनों आँखें हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ की कि अगर लेफ्ट आई का नेसल जा रहा है तो दूसरी साइड का टेम्पोरल चला जाएगा राइट आई का। ठीक है, इसको क्या होमोनोमस बोलते हैं मेनली। ठीक है, तो राइट होमोनोमस हेमियनोपिया देखने को मिलेगा अगर लेफ्ट साइड का लेसन हो गया, और अगर अपना अगर राइट साइड का जो होमोनोमस हेमियनोपिया है वो देखने को मिलता है कब, जब राइट साइड का क्या हो जाए, लेसन क्रिएट हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ इफेक्ट ऑफ लेसन ऑन द विजुअल कॉर्टेक्स। जो विजुअल कॉर्टेक्स होता है जहाँ पूरी प्रोसेसिंग होती है, अगर वहाँ पे कोई लेसन क्रिएट हो जाए तो मेनली क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉजेज इन्फीरियर एंड सुपीरियर होमोनोमस एनोपिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, सुपीरियर और इन्फीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, तो क्या ये आई है अपनी, ठीक है, दोनों आई हैं, एक लेफ्ट है एक राइट। ठीक है, सुपीरियर में क्या होगा, ऊपर वाला चला जाएगा, ठीक है, और इन्फीरियर में क्या होता है, नीचे वाला जाता है। बट यहाँ पे क्या होते हैं, होमोनोमस, ठीक है, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में या फिर एक ही टाइप में। ठीक है, तो अगर मान चलो कि लेफ्ट आई का हुआ है तो किस में क्या सुपीरियर जा रहा है, तो लेफ्ट आई का भी क्या सुपीरियर ही जाएगा, ठीक है, इन्फीरियर नहीं जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, होमोनोमस हेमियनोपिया। ठीक है, और कौन सा हो रहा है, सुपीरियर और इन्फीरियर, अगर ऊपर साइड होता है विजुअल फील्ड जाती है सुपीरियरली तो इसको सुपीरियर बोलेंगे, और इन्फीरियर साइड जाती है तो इसको इन्फीरियर बोलते हैं। ठीक है, अब एक और बात करते हैं, मैकुलर स्पेयरिंग। तो ये क्या होता है, इन ऑल कंडीशंस अबव द टोटल ब्लाइंडनेस डज नॉट, अगर ठीक हो, अभी तक अपन ने जितनी भी कंडीशन देखी सब में टोटल ब्लाइंडनेस कभी नहीं देखने को मिली कि दोनों की दोनों आंखें चली गई हो। ठीक, तो इसके लिए नहीं होता क्योंकि जो अपना मैकुलर विजन होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मेनली हेमोएनोपिया में पूरी कलर, पूरी मतलब टोटल ब्लाइंडनेस नहीं देखने को मिलती। ठीक है, तो उसी को अपन बोलते हैं क्या, देखते हैं जो मैक्युलर बैरिंग होता है वो क्यों देखने को मिलता है। पहला, फाइबर्स फ्रॉम दी मैक्यूला, ठीक है, प्रोजेक्टेड इन टू दी विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ दी बोथ साइड। ठीक, मतलब कि अपने पास दो होंगे विजुअल कॉर्टेक्स, एक इस वाले हेमिस्फीयर में, एक इस वाले हेमिस्फीयर में, तो दोनों हेमिस्फीयर में, ठीक है, तो मैक्यूला से जो फाइबर जाएंगे तो दोनों साइड के हेमिस्फीयर में जाते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, फाइबर्स फ्रॉम दी मैक्यूलर रीजन प्रोजेक्टेड इन टू दी बोथ एंटीरियर एंड दी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दी इस विजुअल कॉर्टेक्स। मतलब कि हर एक विजुअल कॉर्टेक्स, मतलब दो विजुअल कॉर्टेक्स हैं, ठीक है, दोनों को मिला के बन रहा है एक। ठीक है, तो दोनों विजुअल कॉर्टेक्स का एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में, दोनों में उसके फाइबर्स प्रोजेक्ट होके जाते हैं। ठीक है, किसके, मैक्यूलर अपन बोल सकते हैं विजन के, या जो मैक्यूलर डेंसा से फाइबर्स निकल के जाते हैं वो अपने एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में जाएंगे विजुअल कॉर्टेक्स के। ठीक है, तो ओनली बाइलेटरल लेसन ऑफ द विजुअल कॉर्टेक्स कॉज दी टोटल ब्लाइंडनेस। अगर मान के चलो कि जो अपना क्या है विजुअल कॉर्टेक्स, अगर उसमें बाइलेटरल लेसन होता है, मतलब कि दोनों साइड होता है, ऐसा नहीं कि एक साइड हुआ, ठीक है, एक साइड नहीं, मतलब कि लेफ्ट में भी होगा राइट साइड भी होगा। ठीक है, तब जाके अपने को मेनली टोटल ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है, अन्यथा नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। ठीक है, इसको आप एक बार नोट से पढ़ लेना और समझ में आ जाएगा। बाकी अच्छे से पढ़ाई करो यार, मेहनत करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।